प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फ्यूअर में। तो दोस्तों, राजस्थान जीके की एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम BSTC 2022 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की डेली क्लासेज लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम हो गया होगा कि आज ही दोस्तों BSTC 2022 की एग्जाम डेट की घोषणा हो चुकी है दोस्तों, 8 अक्टूबर को। ठीक है ना, 8 अक्टूबर को आपका जो है एग्जाम होने वाला है, 8 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है BSTC 2022 का। तो 20 से 22 दिन आपकी जो है तैयारी के लिए आपको मिलेंगे। तो आज से लगने वाली हर एक क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए एक भी क्लास को मिस मत करना। आज की क्लास में राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? जय नारायण व्यास, हरिभा उपाध्याय, देवीदत्त त्रिपाठी या फिर ऋषिदत्त मेहता। दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होने वाली हैं, 10 से 12 मिनट की ये वीडियोस आपका BSTC में श्योर सिलेक्शन करवा सकती है। तो त्याग भूमि के संपादक कौन थे आपका, वो आप बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में। जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। त्याग भूमि की बात करें दोस्तों, इसके जो संपादक थे, जो एडिटर थे, वो थे हरिभा उपाध्याय। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी को आंसर साथ साथ देते जाना है। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर की? जोधपुर, सिरोही, जयपुर या फिर सीकर, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर की आपको बताना है जल्दी से बताइए। सभी अभ्यर्थियों को आंसर देना। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, जयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, लव कुश की जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सोरसन, भरतपुर, पाली या फिर सीताबाड़ी, कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? लव कुश की जन्म स्थली के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध आपको बताना है जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए लव कुश की जो जन्म स्थली है वो सीताबाड़ी को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है आपको पूछा गया है? 20, 25, 15 या फिर 30, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है आपको बताना है जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जल्दी से आंसर। देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो विधानसभा होती है जिसकी 200 सीटें वर्तमान में स्थित है, राजस्थान के में 200 विधानसभा की सीटें हैं, तो मंत्रियों की जो संख्या है वो राजस्थान विधानसभा की 15% से जो है ज़्यादा नहीं हो सकती है। 200 का 15% अगर आप निकालेंगे तो देखिए दोस्तों 30 आएगा, यानी कि राजस्थान मंत्री परिषद में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय मरु उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वनस्पति पार्क, घास क्षेत्र पार्क, जीवाश्म उद्यान या फिर वन्य जीव उद्यान, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है इसे हम जीवाश्म उद्यान भी कह सकते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने राजस्थान जीके की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है BSTC 2022 को लेकर, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट आपको विजिट करनी है। ठीक है ना, इस चैनल की प्लेलिस्ट आपको विजिट करनी है। राजस्थान जीके BSTC 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर 100 के आसपास जो है राजस्थान जीके की वीडियो पड़ी है। 100 या इससे ज़्यादा ही वीडियोस होंगी जहां पर राजस्थान जीके की आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए और पूरी तरह से राजस्थान जीके की तैयारी कर लीजिए। तो मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है आपको पूछा गया है? नागौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर जोधपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़, यहीं पर मध्यमिका नगरी स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या फिर जयपुर, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा जल्दी से बताइए। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। देखिए राजस्थान जो साहित्य अकादमी है, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है उदयपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, सत्याग्रह उद्यान कहाँ पर स्थित है? कौन सा उद्यान, सत्याग्रह उद्यान कहाँ स्थित है? पाली, उदयपुर, जोधपुर या फिर जयपुर, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सत्याग्रह उद्यान कहाँ पर स्थित है आपको बताना है जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए सत्याग्रह उद्यान की बात करें, पाली के अंदर ही स्थित है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, ललित विग्रहराज किसके द्वारा रचित है? ललित विग्रहराज किसके द्वारा रचित है? जयानक, सोमदेव, जयदेव या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। ललित विग्रहराज किसके द्वारा रचित है आपको बताना है। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, सोमदेव ने इसकी रचना की थी, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, अलीबख्शी ख्याल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अलीबख्शी ख्याल जो है कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अलवर, निम्बाहेड़ा, सिखावटी या फिर लालसोट,
देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि इसी तरह की क्लासेज जो BSTC 2022 के एग्जाम तक आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में हर एक नोटिफिकेशन BSTC से रिलेटेड आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अलीबक्शी ख्याल की बात करें, अलवर जिले में ये प्रसिद्ध है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रामनगर किसका प्राचीन नाम है? रामनगर किसका प्राचीन नाम है? सवाई माधोपुर, टोंक, सिरोही या फिर श्रीगंगानगर, कौन सा करेक्ट होगा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। रामनगर किसका प्राचीन नाम है? देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, श्री गंगानगर का यह प्राचीन नाम है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना के बारे में पूछा गया है, 1940, 1935, 1936 या फिर 1938। दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दूं, BSTC 2022 की एग्जाम डेट घोषित तो हो चुकी है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है BSTC 2022 का। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो इसके ऊपर मैंने सुबह ही एक वीडियो बनाई थी, आप उसे वॉच कर सकते हैं। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की बात करें, 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, रमजोल व कंदोर कर्मशः आभूषण है? रमजोल व कंदोर कर्मशः किसके आभूषण है? पैर व कमर के, कमर व पैर के, बाजू व पैर के, बाजू व कमर के, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? रमजोल व कंदोर है कर्मशः कहाँ कहाँ के आभूषण आपको बताना। देखिए रमजोल की बात करें दोस्तों, ये तो पैर में पहना जाता है, ठीक ना, पैर में पहना जाता है, और कंदोर जो है दोस्तों कमर में पहना जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, रमजोल पैर में और कंदोर कमर में पहना जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, कैलाश बुर्ज किस जिले में स्थित है? कैलाश बुर्ज कौन से जिले में है? जोधपुर, जयपुर, अलवर या फिर बीकानेर, करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कैलाश बुर्ज की बात हो रही है, कहां पर स्थित है आपको बताना है। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, अलवर जिले में स्थित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, अजमेर में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने करवाया? अरुणोराज, अजयराज, गोविंदराज या फिर बिसलदेव, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए। अजमेर के अंदर संस्कृत विद्यालय का निर्माण कौन से शासक ने करवाया आपको बताना है, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, बिसलदेव बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? महाराणा प्रताप से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, 24, 20, 27 या फिर 31, कितने वर्षों तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था? देखिए दोस्तों महाराणा प्रताप की बात करें, 9 मई 1540 को, ठीक है ना, 1540 को इनका जन्म हुआ था, और दोस्तों 1572 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, यानी राजगद्दी इन्होंने संभाली थी। वही दोस्तों 1597 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों 1572 से 1597 तक कितने साल हो जाते हैं? तो लगभग देखिए दोस्तों 24 साल आप मानकर चले महाराणा प्रताप ने शासन किया था, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? किशनगढ़, सुजानगढ़, खेतड़ी या फिर बीकानेर, एक एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आने लायक है, प्रत्येक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दानचंद चोपड़ा की बात करें, और दोस्तों वीडियो के एंड में आपको बताना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, आपको अपनी तैयारी पता चल जाएगी कितना आप पानी में है, कितना आप बाहर है। दानचंद चोपड़ा की बात करें, सुजानगढ़ में ये स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोमचा का क्या अर्थ है? पोमचा का क्या अर्थ है आपको बताना है, कमल फूल युक्त ओढ़नी, गुलाब फूल युक्त ओढ़नी, पीले फूल युक्त ओढ़नी या फिर सफेद व लाल रंग युक्त ओढ़नी, करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। पोमचा का क्या अर्थ है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों कमल फूल युक्त जो ओढ़नी होती है उन्हें पोमचा बोला जाता है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, संगीत राज किसकी रचना है? संगीत राज किसकी रचना है? चंद्रबरदाई, जयानक, कुंभा या फिर मंडन, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। संगीत राज जो है किसकी रचना है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें, महाराणा कुंभा की ये रचना है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का ये होने वाला है दोस्तों अंतिम प्रश्न होने वाला है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंबल राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया है? चिंकारा, बाघ, घड़ियाल या फिर मछलियों के लिए, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? चंबल राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जीव के संरक्षण के लिए बनाया गया है? तो देखिए काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है, घड़ियाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस समाप्त होती है। दोस्तों ऐसी क्लासेस चैनल पर डेली आपको देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना डेली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं किसी और नए क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।